आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर हीरो कंपनी कई सारी बाइक आती हैं और ये ज़्यादातर बाइक के लिए ही जानी जाती है ना? करेक्ट है ना? तो अब मैं बता रहा हूँ, इसके जो स्कूटर है हीरो डेस्टिनी, इसने डेस्टिनी का नया वेरियंट लॉन्च कर दिया है जो कि XTEC, जो कि बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि बहुत कम लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं एक्चुअल न्यूज़। मतलब गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल तो सबको दिखते ही हैं और सुधीर चौधरी को क्या क्या ही कहना। इसीलिए तो उससे हटके जो ऑटोमोबाइल न्यूज़ में थोड़ा एक्टिव उनको पता होगा कि डेस्टिनी का XTEC वेरियंट लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी ने इस नए वेरियंट के अंदर क्या क्या नया ऐड किया है, ताकि अगर आप लोग को लेना है नया वेरियंट डेस्टिनी का XTEC तो आपको पता रहे कि इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने ऐड किया और क्या इसके अंदर निकाल लिया और इसकी अब प्राइस कितनी है। मेन मुद्दा ये होता है कि भैया अपडेट तो कर दिया, प्राइस कितनी कर दी, सब सारा बोझ आएगा मिडिल क्लास पे जो लेना चाहते हैं। इसीलिए वो गवर्नमेंट भी मिडिल क्लास के लिए कुछ करती नहीं, सारे टैक्स पे चपकाए जा रही है टैक्स पर टैक्स, GST नहीं, ये नहीं, दूध दही सब पे टैक्स, दो टैक्स, वोट दो और टैक्स भी दो। इसीलिए और भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सपोर्ट करोगे तभी आगे और इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा मैं। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ हीरो मोटोकॉर्प की जो नई बाइक आई है डेस्टिनी 125 XTEC, तो इसका जो इंजन है वो एयरकूल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसका जो इंजन है वो आपको पता है 124.6 cc का है, जो कि 9.1 PS का पावर देता है और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, क्योंकि इंजन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया कंपनी ने। अगर मैं कीमत की बात करूँ हीरो डेस्टिनी 125 XTEC की, तो इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है 17,200 से स्टार्ट होती है और इसके टॉप वेरियंट की जो कीमत है वो 82,000 तक जाती है। और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो कंपनी दावा करती है कि ये जो स्कूटर है 1 लीटर पे आपको 50 किलोमीटर की माइलेज देगा और ये जो स्कूटर है कंपनी का बेस्ट सेलिंग स्कूटर है जिसे लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। हीरो अभी इंडियन मार्केट के अंदर अपनी बाइकों के लिए जानी जाती है, लेकिन जल्दी अपनी स्कूटर के लिए भी जानी जाएगी, जैसे कि वो स्कूटर में अपडेट कर रही है। अगर मैं फीचर की बात करूँ नई हीरो डेस्टिनी 125 XTEC की, तो इसके अंदर आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, एनालॉग स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल ओडोमीटर, क्लॉक, पैसेंजर के लिए बैक रेस्ट, पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट, और इसके जो स्पीडोमीटर है वो भी एनालॉग है और इसके अंदर आपको डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाता है। और जो नई हीरो डेस्टिनी 125 XTEC आई है ये iThrace टेक्नोलॉजी के साथ आई है, मतलब जब भी आप लोग ट्रैफिक में खड़े होगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और जैसे ही हल्के तेज दोगे ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। इस स्कूटर की जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 लीटर्स की है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 mm पे है और इसका जो व्हील बेस है वो 1245 mm पे है और इस स्कूटर का जो कार्ब वेट है वो 114 kg का है और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 130 kg की है। और इस स्कूटर के अंदर आपको सारी लाइटें LED मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग कोई नया स्कूटर देख रहे थे हीरो का ही, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, या अगर कोई भी स्कूटर देख रहे थे पेट्रोल स्कूटर डेली यूज़ के लिए या अपने काम धंधे के लिए, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर कई सारे नए फीचर डाले हैं जो कि XTEC वेरियंट के अंदर कंपनी ऑब्वियसली डाल रही है, जैसे कि इसने स्प्लेंडर के अंदर डाले हैं, पैशन प्रो के अंदर डाले हैं, अब इसके अंदर भी डाल दिए। तो अगर आप लोग लेना है तो भैया आप कंसिडर कर सकते हो, आपकी चॉइस है टोटली। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपके ऊपर पूरा डिपेंड है कि लेते हो नहीं, और अगर लेते हो तो भैया मेरे को जोर टैग करना, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि भैया मेरी इन्फॉर्मेशन लोग यूज़ कर रहे हैं और ऐसे आपकी कनेक्टिविटी भी नहीं है। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई डाउट है किसी चीज़ को भी लेके, बाइक, गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि आप लोगों की क्वेरी 100% सॉल्व हो जाए। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीडियो लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।